राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार के राजगीर भ्रमण और राजगीर पर लगातार डेवलपमेंट पर ध्यान दिए जाने के सवाल पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राजगीर को बिहार की दूसरी राजधानी बनाना चाहते हैं, इसलिए वो राजगीर पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। सुनिए भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा। एक कोई आरोप नहीं लग रहे हैं, हर पार्टी अपने विधायकों से चंदा लेती है और 5 रुपया का मेमोरी चलता है, जो सदस्यता अभियान चलता है तो 5 रुपया का मेमोरी लगता है। और हमारी पार्टी सरकार में नहीं है और हमारी पार्टी अडानी अंबानी की कृपा से नहीं चल रही है। हमारी पार्टी विधायकों से, कार्यकर्ताओं से, जनता के चंदे से ही पार्टी चलती है। इसलिए विधायक लोग अपने चंदा अगर लगाया गया है तो वाजिब है और हर विधायक कहीं कोई विरोध नहीं है और अडानी अंबानी हमारे पास नहीं है कि हमारे पैसा इधर उधर से आएगा। इसलिए जिन लोग को अडानी अंबानी से पैसा मिलता है वो लोग भी चंदा लेते हैं विधायकों से, हमारे पास तो अडानी अंबानी है नहीं। आरोप लग रहे हैं, कोई आरोप नहीं लग रही है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं और दूसरे पार्टी के लोग तो उनके पास अडानी अंबानी का पैसा आ रहा है ना। हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं के चंदा से चलती है पार्टी, विधायकों के चंदा से चलती है पार्टी। इसलिए हर विधायक अपने मन से पैसा दे रहा है। अपराध से वसूली नहीं हो पा रही है इसलिए विधायकों से वसूली कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अपराध के जरिए वसूली हो जो अब सवाल है कि जो पार्टी अपराध बिहार में फैला रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जो रोग हत्या रोज बलात्कार हो रहा है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो अगर इस तरह की भाषा बोलता है तो इसका मतलब जनता के मुंह पर तमाचा मार रहा है और उनसे सरकार संभल नहीं रही है तो झूठा आरोप हम लोग पर लगा रहे हैं। ये झूठा आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकने का काम करें कि ये लोग सत्ताभोगी हैं और कुर्सी कुमार जी हैं और ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तो जनमत मिला है तेजस्वी प्रसाद यादव को, यहाँ दूसरे को जिसको जनमत नहीं मिला है, जिनको जनादेश नहीं मिला है, वो सरकार में शामिल है। वो लोग बोलने के पहले अपने चेहरा ऐना में देखकर और बयान देकर अपने चेहरा को ऐना में देखिए, पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। NBC 24, सच की ताकत।